हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स खाना खजाना। अक्सर मांगलिक कार्यों में बनाई जाने वाली पंजीरी, जो कि हमें खाने में हमेशा ड्राई लगती है, यह रेसिपी तो पुरानी है, पर हम आज बनाएंगे उसे कुछ टिप्स के साथ जो कि बिल्कुल भी खाने में ड्राई नहीं लगेगी। यह रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप भर कर गेहूँ का आटा, और इसमें डाल दूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच भरकर घी, और 1 बड़ा चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। ये एकदम रूम टेम्परेचर का दूध है और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो ऐसे दोनों हाथों से इसको ऐसे मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि घी के साथ ये हमारा आटा जो है घी और मिल्क के साथ अच्छे से ये मिल जाए। आटा हमारा आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे दबा कर और इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आटा जो है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। लगभग 20 मिनट हो गए हैं और आटा आप देखेंगे कि बहुत मतलब अच्छे से ये फूल सा गया है और थोड़ा ये सूजी जैसा दानेदार सा हो गया है। अब हम ऐसी एक मोटे छेद वाली छन्नी ले लेंगे, जिससे अक्सर हम गेहूं वगैरह छानते हैं, और उसमें हम ये अपना सारा आटा डालकर इसे हम छानेंगे। इसे छानने से ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको भिगोया था थोड़ा सा दूध और घी डालकर, तो ये कहीं कहीं इसमें मोटी थोड़ी सी गुठलियां हो गई होंगी, तो उसे हम छान लेंगे तो ये एक जैसा हो जाएगा। अब देखें ये ऊपर इस तरह जो मोटा मोटा रह गया, इसे भी हम बिल्कुल इस तरह हाथों से रगड़ते हुए इसको पूरा हमें छानना है। छानना बस हमें इसलिए जरूरी है ताकि इसको हम एक जैसा कर सकें। आटा हमारा पूरा छन गया है, और आपको मैं अगर पास से दिखाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे जो बारीक सूजी होती है ये उस तरह से हो गया है। अब गैस पर मैंने रखी एक कढ़ाई, और अपना सारा ये छाना हुआ आटा जो है उसमें हम डाल देंगे, और गैस को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। और कम आंच में ये बहुत ही बढ़िया अंदर तक अच्छे से भून जाता है। अगर हम तेज आंच कर देंगे तो वो थोड़ा सा जलने लग जाएगा। आटा हमारा एकदम अच्छे से भुन गया है। आप देखेंगे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब तक आटा हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चढ़ाया एक छोटा सा फ्राइंग पैन, और 1 चम्मच लगभग इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। अब मैंने लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, जिसे मैंने बादाम को स्लाइस में कर दिया है और काजू कैसे दो दो टुकड़े कर दिए हैं, उसे इसमें डाल देंगे, और मीडियम आंच पर चलाते हुए इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। बादाम और काजू हमारे भून गए, आप देखेंगे इसका कलर बढ़िया सा चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश, किशमिश हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि किशमिश थोड़ा जल्दी भून जाती है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म है तो किशमिश जो है वो इसी में भुन जाएगी। सभी ड्राई फ्रूट भुन कर तैयार हो गए हैं, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ये भुना हुआ आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया, और ड्राई फ्रूट भी हमारे बिल्कुल ठंडे हो गए। अब ये सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट हम इसी में डाल देंगे, और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये मैं चीनी के साथ इलायची को हमेशा पीस कर रखती हूँ, क्योंकि कोई भी डिश बनानी हो आप फटाफट डाल सकते हैं। पहले हम इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। सभी ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे जितना हमने आटा लिया था जिस कप से, उसी कप से मैं 3/4 कप इसमें ये बूरा डाल रही हूँ। इसमें बूरा ही ज्यादा अच्छा लगता है। अगर बूरा नहीं है तब आप इसमें चीनी पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बहुत अच्छे से ऐसे मसलते हुए मिक्स कर देंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया।
ये हमारी मजेदार सी पंजीरी एकदम बनकर तैयार हो गई है। और यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट लगती है। अक्सर जो हमारे कथा वगैरह में या मांगलिक कार्य में जो बनाई जाती है वो थोड़ी सी ड्राई लगती है खाने में, पर अगर आप इस तरह से आटे को मोइन करके और इस तरह से बनाते हैं तो ये लगती है बहुत ही बहुत खाने में टेस्टी। हमारे घर में मांगलिक कार्य में तो इसे बनाते ही थे, पर मेरी मदर इन लॉ गर्मी के दिनों में हमेशा बच्चों के लिए मिठाई के तौर पर इसे बनाकर रखती थी, क्योंकि गर्मी के दिनों में घी थोड़ा सा कम ही खाया जाता है, तो ये बहुत कम घी में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही बहुत टेस्टी लगती है। और सावन के महीने में तो ये अक्सर ही हमारे घर में बनाई जाती थी। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत आपको पसंद आने वाली है। और ये एक बार बनाकर आप इसे पूरी गर्मी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ही यूनिक और मजेदार रेसिपी के लिए देखते रहें मॉम्स खाना खजाना। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर।